कैसा रहा एक्सपीरियंस कुल्लू के साथ कंदूर? बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस यार, तुम लोग मुझे कितने देख जाते हैं यार, खुद भी तो कुछ बोलो। अंजलि जी बताएंगे पहले। अंजलि जी से स्टार्ट करें। जी जी प्लीज। तो आप बताइए कि इस तरह की चीजें हमेशा रियल चीजें लाता है कुल्लू, एंड ये रियल स्टोरी पर लाना भी बहुत ही चैलेंजिंग होता है, तो आप बताइए कि ये कितना चैलेंज फेस करने के लिए रेडी है? बिल्कुल रेडी है। और उल्लू की तो USP है, हम लोग तो सिर्फ ऐसी ही चीज़ें उठाते हैं जो थोड़ी सी जिनके इंसिडेंट्स हमारे जहन में रह चुके होते हैं, जो हमें स्टोरीज पता होती हैं, जो एक्चुअली दुनिया में होता है। हम लोग कहते हैं कि ये लव स्टोरी है, हमने सिर्फ कपल्स देखे हैं जो सिर्फ यू नो गाना गाते हैं और डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं, बट उल्लू ऐसा नहीं करता है। हम वो फैक्ट्स दिखाते हैं जो एक्चुअली हैं, जो लोग इस यू नो हमारे आसपास होता है, इतना ब्रूटल होता है कुछ चीज़ें जो हम डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी ऑडियंस को जितना क्लोज ला सकें। हम ऑब्वियसली पूरा इंसिडेंट उठा के नहीं डालते हैं, हम कहीं ना कहीं क्रिएटिवली इंस्पायर्ड होते हैं, तो हम उसकी थोड़ी सी झलक और थोड़ा सा जायका देने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑडियंस क्या होता है ना, कोई भी किसी ने भी कुछ सुन लिया तो उनके जहन में उसका कुछ पॉइंटर्स रहते हैं, उनको हम कितना रियलिटी के पास ला सकें ये हमारी कोशिश रहती है एज अ चैनल एंड अ प्लेटफॉर्म। वही हमने इसी शो में करने की कोशिश करी है। वी हैव अमेजिंग सेट ऑफ एक्टर्स, दे हैव बीन रियली कोऑपरेटिव। टैलेंट तो हम सब जानते ही हैं इनका, दे आर नोन फेसेस, दे आर रियली गुड, वेरी कोऑपरेटिव। वी हैड रियली फन टाइम वर्किंग विद देम, सो यस वी लुक फॉर मोर प्रोजेक्ट्स विद देम। देखते हैं आगे। क्यों नहीं हो सकता, हम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, अगर ये करना चाहें तो जरूर विल बी रियली हैप्पी टू ऑफर लॉट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स टू देम। रश्मि जी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी तंदूर के बारे में। नहीं आपने क्या पूछा मुझसे? ये था कि ये बहुत ही डिफरेंट है, रियल स्टोरी पर है, ये रियल ट्रू इवेंट है, तो आप बताइए कि कितना चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि अब तक हमने आपको एक डिफरेंट दुनिया में देखा है, डिफरेंट अंदाज में देखा है, नाउ तंदूर। ये आज जो भी किरदार हम निभाते हैं वो एक्चुअली हम नहीं होते हैं, उसके लिए एक बहुत सारी हार्डवर्क और मीन्स मे बी अपना खुद का एजुकेशन भी लगता है उसमें, हमें रिसर्च करना पड़ता है। मुझे नहीं पता था दैट आई विल बी पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, मुझे पता भी नहीं था जब मुझे ब्रीफिंग मिली, समझाया गया और बताया गया, और फिर 1996 में जो ये पूरा कांड हुआ था उस बारे में भी बताया गया। प्लस व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग आर्टिकल्स एंड द वीडियोज एंड ऑल, दे एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट थियोरी अबाउट द वाइफ एंड अबाउट द बेस्ट फ्रेंड एंड अबाउट द हस्बैंड, बट इन दिस आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि तीन अलग किरदार है और तीनों अपनी जगह शायद सही भी है, कोई दूसरा गलत, किसी को दूसरा गलत। मे बी शायद आपको मैं गलत लग के तनुज जी अच्छे लगे, मे बी सॉरी साहिल अच्छा लगे, साहिल नहीं, मे बी शायद आपको अयाज सही लगता हो। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें बदलाव भी दिखाए हैं, और मुझे लगा कि जब आप एक किरदार निभा रहे होते हो तो आपका फ़र्ज और भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बिकॉज यू वॉन्ट योर प्रोजेक्ट टू शाइन। एंड आप का जब ये पहला प्रोजेक्ट हो तो मुझे नर्वसनेस बहुत थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं किसके साथ काम करने वाली हूँ। ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्क्रिप्ट इज़ सो पावरफुल कि शायद हम लोग किसी हम मैं अगर ये प्रोजेक्ट कर भी लूँ तो ये तो डेफिनेटली चलने वाला है, बट देन एक्टर एंड द डायरेक्टर, बट इवेंचुअली दी तंदूर जिस तरह से बनाया है, जो ये 5 एपिसोड की सीरीज है, दैट इज फैबुलस। सवाल क्या है प्लीज? आपको पता था कि आप इस तंदूर में रश्मि जी बनने वाली? हाँ हाँ, इसलिए तो मैंने साइन करी है। मुझे मुझे नहीं पता था, आई मेट हिम मुझे पता था एक्चुअली। इस प्रोजेक्ट को मैं काफ़ी टाइम से कोट कर रहा था कि यार ये मेरे पास आ जाए, बट फिर लॉकडाउन 2020 के वजह से यू नो डिलेज हुए थे, एंड लकली सब चल गया, स्केड्यूलिंग वेड्यूलिंग जो भी मोडालिटीज थे वी वर एबल टू वर्क इट आउट। तो जब मुझे पता चला कि आई एम गोइंग टू बी ऑपोजिट रश्मि तो अच्छा लगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क विथ हर, एंड आई फेल्ट जब मैंने ये कहानी पढ़ा तो आई फेल्ट कि इट रिक्वायर्ड अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ एक्टर, यू नो, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स है जो या तो एक्टिंग में अच्छे हैं या तो खूबसूरत है, बट यू नीड टू हैव द किलर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बिकॉज ये जो किरदार निभा रही है पलक, शी इज़
अ वेरी मैग्नेटिक कैरेक्टर इनके अदाए हैं और लोग इनके और आकर्षित होते हैं, यू नो. सो लकली इन रियल लाइफ ऑल्सो रश्मि हैज़ दोज क्वालिटीज विच आई फील कि आप चाहे जितनी भी अच्छी एक्टिंग करते हो, यू कैन नॉट फेक दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो. तो आई फील कि लाइक शी विल बी अ ग्रेट कोस्टा एंड वेल शी प्रूव मी करेक्ट. सो लाइव कमेंट्स ऐसे मिलते हैं, तो आप बताइए क्या फील करती हैं? डेफिनेटली मैं तो इन्हें अपना प्रॉब्लम सॉल्वर बोलती हूँ, क्योंकि इन्हें मैं पहले कभी बोली, मैं कभी इन्हें मिली नहीं थी. ऑफ़ कोर्स आई हैव सीन हिज वर्क, इनकी फिल्में, इनके गाने सुनती थी डेफिनेटली, और मैं अपनी ही अलग अलग मोमेंट्स बनाती थी इनके गानों पे, अपनी अलग सिचुएशंस को दिखाती थी. बट शी इज़ नॉट इवन अवेयर ऑफ इनके जो इनकी सीरीज आती थी. तो मैं इनके सामने ऐसे खड़ी हो जाऊंगी एज एन एक्टर, फिर भी एक नर्वसनेस रहती है, बिकॉज ही इज़ फैबुलस, अमेजिंग. ही इज एक्चुअली आई कॉल हिम अ रॉक स्टार, बिकॉज इन्होंने वेट गेन किया था, प्लस इनके साथ जो इनके स्टाफ है उनका अगर आप उतना ही इन्वॉल्वमेंट देखते हो. तो मैं उनको सेट पे देख के पहले दो दिन तो मुझे टाइम लगा, बट देन आफ्टर दैट इट वॉज मोर ईजी फॉर मी टू प्ले पलक, बिकॉज आई थिंक मैंने नहीं मिली थी तो मैं थोड़ी डरी हुई थी, बट ऑन सेट ही इज कम्प्लीटली डिफरेंट एंड इज वेरी वेरी सपोर्टिव. यही मेरा अगला सवाल था कि जिस तरह से आप जिस तरह से आपका लुक है, जिस तरह से आपने वर्कशॉप किया है अपने लुक पर, एंड पूरा वर्ल्ड होकर आप जिस तरह से वो पानी में से सीन निकल कर आए हैं, लाइक डिफरेंट लग रहा है, तो कितना आप वर्कशॉप करना पड़ा आपके इस किरदार के ऊपर? उसके तो मैं प्रोस्थेटिक डिपार्टमेंट को सराहना चाहता हूँ, बिकॉज वो सब तो उनकी वजह से हुई है. बट इसमें इम्पॉर्टेंट क्या थी कि यू नो नॉर्मली जब आप एक प्रोजेक्ट करते हो, स्पेशली एज अ लीड एक्टर, आप वैनिटी के पीछे भागते हो, यू नो लाइक यू नो आई वांट टू लुक गुड ऑन स्क्रीन, कि मेरे एब्स दिखने चाहिए, मुझे सुंदर लगना है, हैंडसम लगना है, व्हाटएवर, यू नो. बट इस पर्टिकुलर रोल के लिए मैंने फैसला लिया कि आई हैव टू अबैंडन वैनिटी, कि मैं जितना उससे दूर भागूँ उतना ही और इफेक्टिव होगा, बिकॉज ये जो कैरेक्टर है वो डीपली फ्लॉड और इनसिक्योर कैरेक्टर है, बट वो छुपाने के लिए वो दिखाता है कि यू नो ही हैज़ अ सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, वो दूसरों को नीचे दिखाता है, यू नो. बट दैट्स ऑल जस्ट यू नो कई बार ऐसे होता है, यू नो. और जब एक डिस्पैरिट रिलेशनशिप में आप होते हो, जहाँ पे लड़की बहुत खूबसूरत होती है और लड़का इतना फिजिकली हैंडसम या गुड लुकिंग नहीं होता, तो आई फील वो और टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है. तो आई थिंक टू ऑनर द कैरेक्टर आई हैड टू काइंड ऑफ यू नो नॉट जस्ट द बॉल्ड लुक, बट मेरे इस शो में तीन अलग अलग लुक है, तो आई हैड टू फोकस ऑन दैट. जी रश्मि, आपसे एक सवाल है, क्योंकि आपका दमदार डेब्यू है, मैंने पहले ही जिक्र कर चुका है, बहुत अच्छा ट्रेलर है, इट इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, आई एम श्योर ऑडियंस विल लव इट. रश्मि, अब आपने एक और कदम बढ़ा के OTT पे रखा है, जहाँ पे कॉन्टेंट आप समझ सकती हैं इतना फ्री है कि अब क्या कॉन्टेंट हम दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते हैं, उससे आप कैसे, आप खुद को कैसे कोप अप करने वाली हैं, किस तरीके से सिलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं वेब सीरीज में ज़्यादा कुछ बंधन नहीं होते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ये पर्सनल चॉइस लगती है एज एन एक्टर, और मुझे ये भी लगता है कि अगर स्क्रिप्ट का डिमांड है तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज यू कैन नॉट डू कम्प्लीटली जस्ट, यू कैन नॉट जस्टिफाई योर कैरेक्टर एंड ऑडियंस विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट. एंड रश्मि नहीं करती वो सब, वो मेरा जो किरदार है, इट कैन बी पलक, इट कैन बी अंजलि, इट कैन बी निधि, इट कैन बी एनी थिंग दैट आई विल प्ले टुमारो. एंड मैंने कभी इतना अपने आप को नहीं रखा है कि अच्छा मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी. आई वॉन्ट द बेस्ट स्क्रिप्ट एंड आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द अमेजिंग स्क्रिप्ट एंड द एक्टर दैट आई वॉन्ट टू वर्क विद, वो ऐसे ही हो तो मुझे भी उतनी ही हेल्प मिलेगी, ऑकवर्डनेस नहीं रहेगी, एंड देन आई विल फील मोर कम्फर्टेबल. एंड मैंने सुना कि इसमें थोड़ा सा और आगे ऐड करूँगा कि जब से ये ट्रेलर आया है तब से बहुत ही तारीफ हो रही है आपके किरदार की, आपकी सोशल मीडिया पर, और ढेरों सारे और भी ढेरों सारे कुछ प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ बताइए कि और इसके ढेरों सारे प्रोजेक्ट आपको ऑफर हो रहे हैं. मैं अपने घर से आई हूँ, कल जा रही हूँ गुरु के दर्शन करने, और बथेरे प्रोजेक्ट नहीं करती हूँ मैं, बहुत चूजी हूँ और मैं बहुत क्लियर हूँ अपनी काम में भी. एंड आई थिंक आपने मुझे देखा है काफ़ी सालों से, जैसे आप कह, मैंने बहुत सिर्फ काम पकड़ने के लिए कभी नहीं किया, आई वांट टू एंजॉय माय वर्क, सो एनीथिंग दैट आई एम डूइंग आई विल डेफिनेटली मीट यू ऑन सेट और मे बी लाइक दिस फॉर श्योर, बट दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. अंजलि जी, आपसे भी ये सवाल है कि किस तरीके से जो कंटेंट दिखाए जाते हैं वेब सीरीज में या OTT के माध्यम पे, उनके बंधन या फ्रेम तो काफ़ी लूज हैं, जहाँ पे ऑडियंस को कठिनाई होती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर?
नहीं, मैं इसको थोड़ा सा डिफर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब आप एक OTT प्लेटफॉर्म पे आते हैं आपके पास एक चॉइस होती है, आप उसे देखें या आप उसे ना देखें, उसमें एक डिक्लेरेशन होता है। एक सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हैं उसमें भी चॉइस होती है, और आप उसको यस बटन दबा के आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आप OTT देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जहाँ आप गाइडलाइंस की बात कर रही हैं, तो आपको पता होगा अभी IMI की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसके लिए हम सेल्फ रेगुलेटरी जो रूल्स बना रहे हैं उसमें हम उन सबको फॉलो करके आगे बढ़ना चाहेंगे। दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट जो हमारी चॉइस ऑफ जो ऑडियंस हैं वो क्या देखना चाह रही हैं। जैसे मैंने बोला, आप सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं, तो अगर आपको हमारे पास उल्लू 2.0 जो नया आया है उसमें अलग अलग सेक्शंस ऑफ कंटेंट मिलेगा आपको। अगर आपको मेरा सी सेक्शन देखना है तो आप उसके लिए सब्सक्राइब करके उधर जाइए। अगर आप फैमिली कंटेंट देखना चाहती हैं तो आप ए सेक्शन पे सब्सक्राइब करके फैमिली कंटेंट देखिए। होता क्या है कि अगर आप ए पे आ रही हैं और आप सी पे जाती हैं, या सी पे आ रहे हैं वो ए पे जाते हैं, वो आपका पर्सनल चॉइस है, आप उसको देखें या ना देखें, कोई आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता है। और OTT का एक ये हो गया है, क्योंकि टेलीविज़न में कुछ सीमाएं होती हैं, OTT में नहीं होती है। पहले फूल लड़ते हुए दिखाए जाते थे, उसके बाद फिर किसके में एंगल चेंज कर देते थे, और अब OTT में और भी चीज़ें हैं। तो आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन आवर पर्सनल चॉइसेस इफ यू रियली वांट टू गो विद इट और नॉट। सो जी, आई थिंक आज भी फूल लड़ते हुए दिखाते हैं। यू सी गुड फिल्म्स लाइक गैंग ऑफ वासेपुर एंड ऑल, उसमें फील 70s का ही दिया हुआ है। इट इज अबाउट हाउ यू टेक इट। आपको नहीं देखना है, प्लीज मत देखिए, आप सब्सक्राइब ही मत करिए, आप एक ऑटोमेटिक सब्सक्राइब करिए। सिंपल। या एब्सोल्युटली करेक्ट करेक्ट। या थैंक यू सो मच। आप तीनों से देखो आप यहाँ पे आए हैं तंदूर के लिए आए हैं, आप तंदूर से रिलेटेड एक्टर्स से, प्लेटफॉर्म से, डायरेक्टर से सिर्फ इसके बारे में बात करिए। उनके जो केसेस हैं वो अपने आप डील कर रहे हैं। वी विल हैव नो कमेंट्स ऑन इट। आई मीन दैट्स माय स्टैंड। यस यस, नहीं, सेम, नो कमेंट्स। थैंक यू। थैंक यू। रश्मि जी, आप लेट्स टॉक अबाउट तंदूर। आप यहाँ पर आए, आप अपने प्यार और अपना भी गुड विशेज हमें भी लेकर जाए, वी विल आल्सो फील गुड अबाउट इट, एंड अदरवाइज वी आल्सो सपोर्ट यू एवरी टाइम, एंड इसी तरह से हम भी आगे बढ़ेंगे आपके साथ। On a lighter note, which is your favorite tandoor dish? Yes. I have switched. मैं अभी तंदूर कुछ नहीं खाती, मैं सिर्फ सैलेड खाती हूँ। मैं सूप पीने लग गई हूँ थैंक्स टू तंदूर। राम की शादी में फिर क्या खाया तंदूर? नहीं, मैंने ब्रोकली खाई थी, वो मेरा पता नहीं, थैंक्स टू राम। या बहुत वायरल हुआ है, मैंने सुना है।